अभी आपने बोला ना मथुरा में लाइट नहीं, अभी पंजाब में लाइट आती है। लाइट पेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है वहाँ पे, और जो काम हम जल्दी कराना चाहते हैं वो इतना फास्ट नहीं होता क्योंकि हमारा नॉट विद अस पार्टी। जैसे हमारी पार्टी आ जाएगी तो मुझे पूरा विश्वास है हम बहुत बहुत बढ़िया कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, और हमें ये भी देखना चाहिए कि हम सारे हिंदुस्तान में हमेशा ही कितने सालों से कितने युगों से, पहले तो मुगल का राज था, उसके बाद अंग्रेज का जमाना था, तो उनके सामने हम लोग झुक झुक कर रहकर हम हमेशा नीचे रह गए। और जैसा हमारी स्वतंत्रता मिली तो हमने सोचा कि हम सब ने यही सोचा होगा कि हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे इतना जल्दी तो हो नहीं सकता था। चलिए 20 साल 30 साल हम समझने में लगता है, लेकिन 60 साल होने के बाद भी कुछ परिवर्तन नहीं आया हमारे देश में, तो सबको एकदम अचंभा हो गया कि ये क्यों ऐसा हो गया कि ये इतना बड़ा जो देश है हमारा, उसका बागडोर एक ऐसे इंसान के हाथ में होना चाहिए जो इसको बहुत बहुत सुंदर तरीके से इसका आगे लेकर चले। और वो इंसान हमें मिल गया 2014 में नरेंद्र मोदी जी के रूप में, और जिन्होंने पूरा देश का बदलाव 3 साल के अंदर उन्होंने दिखाना शुरू भी कर दिया है। और इन्होंने ये भी एक अभी सोचा है कि जिनके पास घर नहीं है उनका घर बना के देंगे शेड्यूल कास्ट वालों को, एक बहुत अच्छी बात है ये, और बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता जा रहा है, और इसको आप बिगाड़ने मत दीजिए, कोई गलत पार्टी को साथ देकर आप साथ मत दीजिए, आप हमारे पार्टी के साथ रहिए और आपका जो अभी विकास हो रहा है और भी बहुत अच्छी तरह से होता जाएगा, यही कहने के लिए मैं आई हूँ। और अश्विन शर्मा जी को आप जिताइए और यहाँ का विधायक जरूर जल्द से जल्द बनाइए ताकि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल मिलकर बहुत कुछ काम आप लोगों के लिए करें, यही कहने के लिए आई हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमने तो मेरे अपनों और विरोधी हिंदुस्तान की मलकाए हुस्न दीनदर हेमा मालिनी जी तशरीफ फरमाने अपने नाम और बोलो भारत माता की जय। भारत मथुरा से एमपी है इसलिए भी वो बहुत काबिल एहतराम है, तो मैं अर्ज करूंगा कि दोनों में रंग भरे। टेलीविजन के नोटबंदी के बाद माने कुछ लोगों ने कहा कि मुल्क को चलने दो, कहने लगे मुल्क मेरे से सुनो हम तो हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं दिल की गहराइयों से कि ली जाए भारत मत अजीम हस्तियां मंच पे तशरीफ फरमा रहे कि मैं भी हमारे वाले नहीं देखा आदमी हेमा मालिनी जी का साढ़े हंसा हंसी और माननीय हेमा मालिनी हेमा मालिनी